आज पानी जोर से गिर रहा है बेटा यहाँ पर। मैं फिर भी मैं उस दिन भी क्लास डिस्टर्ब हुआ था, मैं सोचा यार ले ही लेता हूँ करके। चलो ये देखो नोट्स बना बना है, सब दिख रहा है क्लियर कट, सब दिख रहा है क्लियर कट। चलो कौन कौन जुड़ गए, कौन कौन जुड़ गए? अदिति, प्रियंका, सतरूपा, ऐश्वर्या, ज्ञान है ना, हरिचंद, जयश्री, कान्हू, ललित, ममता, पल्लवी, प्रियांशु, प्रियभंजन, रितिका, रोशन, रुद्रा, रुद्र राउत, रुद्र और साहू भी है। ओके, तेजस्वनी, स्मृति, सब लोग। चलो ठीक है, प्लीज देखो बेटा कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट फ्लो कराने के लिए किसी भी कंडक्टर में चार्ज है, चार्ज। अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा बोलूंगा, ये जो आपकी दिख रही है चार्ज पार्टिकल, इसको बोलते हैं करंट कैरियर्स। इसी को बोलते हैं, मतलब इसके थ्रू चार्ज का हो, सपोज ये कंडक्टर वायर है, ये कंडक्टर ले, तो इसमें सर फ्यूज होते वॉइस हैं, ठीक से नहीं आ इधर रहा है। वॉइस जाएंगे। क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज क्या? हेलो, नो सर, क्लियर नहीं आ रहा। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर आप लोग आवाज मेरे पास नहीं आ रही है बेटा, आप लोग की आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। हेलो, हेलो सर, अरे म्यूट करो यार 2 मिनट के लिए। आप लोगों की आवाज क्यों क्लियर नहीं आ रहा है मेरे पास? हेलो, यस सर, यस सर, यस शुरू कर। सर, अभी आया, हाँ अभी आ गया आपका आवाज, अभी अच्छा है आप लोगों का। शुरू करें? हेलो, यस सर। चलो तो ये चार्ज कैरियर जो होता है वो 3 टाइप के मटेरियल्स होती है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। सॉलिड जो होती है जिसको अपन सॉलिड कंडक्टर बोलेंगे, वो कंडक्टर होता है, सॉलिड फॉर्म में कंडक्टर में होता है। और कंडक्टर मीन्स होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सबसे पहली बात इसको दिमाग में रखना है। सेम लिक्विड को अपन इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है, जैसे बैटरी वगैरह में होता है, कुछ भी से बनाया जा सकता है, H2SO4 से, CuSO4 से। तो ये ऐसा टाइप का एग्जाम्पल उसका बताना चाह रहा हूं मैं आपको, है ना। बट यहां पर देखो सबसे बड़ी बात, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में ना लूजली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, किसमें? किसी भी मटेरियल्स में। और ये इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो डिसोसिएट प्रॉपर्टी, डिसोसिएट ऑफ आयन क्रिएट करता है, मतलब आयन 2 पार्ट में डिसोसिएट हो जाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोलाइट का प्रोसेस करेगा। प्रेशर, एक फार्मूला होता है आपको याद होगा, PV=nRT, है ना, इसी के थ्रू टेम्परेचर दिया जाता है। आपको याद होगा है ना, थर्मल इफेक्ट ऑफ द करंट पढ़े हो ना 12th में, थर्मल इफेक्ट ऑफ द करंट। हेलो हेलो सर, यस सर, थर्मल इफेक्ट ऑफ द करंट पढ़े हो ना, वही है ये, वही है वो चैप्टर, ठीक है, वही है वो चैप्टर जो बोलना चाह रहा हूँ। अब ये पूरी के पूरी क्या यहां तक समझ में आ गई सबको? क्या मैं आगे बढ़ूं, है ना? तो देखो यहां से अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? अब फ्लोन ऑफ चार्ज इन अ टाइम, फ्लोन ऑफ चार्ज इन अ टाइम मतलब टोटल फ्लोन चार्ज डिवाइडेड बाय टेकन अ टाइम इज ऑल्सो नॉन एस करेंट, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एस करेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एस करेंट। ये हो गया आपका। अब इसको और क्या बोलोगे, क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे इसमें? चलो देखो, सबसे पहले तो देखो इसमें क्या लिखा है, मे बी पॉसिबली डेल आई, ये डेरिवेटिव क्वांटिटी है, डेल आई इक्वल्स टू डेल क्यू, डेल डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसी को चेंजिंग द करंट बोला जाता है, इसको डेल्टा को। मगर इंस्टेंटेनियस करंट अगर हो, इंस्टेंटेनियस करंट अगर हो तो क्या बोलते हैं, आई इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी, इंस्टेंटेनियस है, मतलब स्मॉल करंट, स्मॉल 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 चार्ज फ्लो हो रहा है स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल टाइम पर, तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम। उसी को लिख देते हैं बेटा डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। अब डी टू इक्वल टू आई डी टी करोगे तब इसमें रख दो बेटा, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस आ जाएगा। सपोज कई बार दे दिया जाता है, आई का वैल्यू रख दो
टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स या फिर थ्री एक्स टू द पावर क्यू प्लस ऑफ टू एक्स प्लस ऑफ टू ये किसके इक्वल है आई के इक्वल्स है तब मुझे क्या टाइम टी एक्स बोलता हूँ ये टी रख दो यहाँ पर टी के वेस वो है डेरिवेटिव है तो यहाँ पर क्या फार्मूला रख के यहाँ पर क्यू का वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हेलो यस सर एवरीबॉडी हाँ यस सर ये वही फार्मूला है डेरिवेटिव वाला बट आगे बढ़ेंगे बेटा डेल का जो वैल्यू होता है आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इसको कहाँ यूज करेंगे जंक्शन रूल में जब हम पढ़ाया जाता है आई वन आई टू आई थ्री आई फोर अब उसको जंक्शन रूल में यूज करेंगे तब इसको यूज करने वाले हैं तो इन सबको एक साथ क्या बोल सकते हैं डेल आई को समीशन ऑफ आई इनिशियल टू फाइनल या इन्फिनेटिव तक तो यूनिट निकालने एम्पियर बोला जाता है एसआई में एम्पियर बोला जाता है या कूलम पर सेकंड दोनों बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ये भी आई का यूनिट है और ये भी आई का यूनिट है कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हैं तो सीजीएस में क्या बोलते हैं स्टेट कूलम स्टेट एम्पियर बोला जाता है एसआई में एम्पियर सीजीएस में स्टेट एम्पियर तो आई का क्या हुआ वन स्टेट कूलम क्या बोलेंगे बेटा वन स्टेट कूलम एंड सेकेंड इक्वल टू वन स्टेट एम्पियर बोल सकते हैं इसको यहां तक मेरी बात समझ में आई सबको क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई यस सर नेक्स्ट वन गुड गुड नेक्स्ट हमको क्वांटाइजेशन में पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टेट जब पढ़ा रहा था तो आप लोगों को याद होगा ना बेटा क्यू इक्वल्स टू एनी होता है ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू इक्वल्स टू एनी होता है याद है हाँ या ना यस सर हाँ अगर मैं बोलूं आपको वन कूलम चार्ज है वन कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे तो आप निकाल सकते हो यानी कि आई का वैल्यू क्यू की जगह एनी रख सकते हो आपने रख सकते हो ना एन का वैल्यू तीन एन का वैल्यू रख दो टी का वैल्यू टी रख दो 30 सेकंड बोल सकता हूँ वन आवर्स में अगर कितना में वन आवर्स में अगर 300 एम्पियर करंट फ्लो करते हैं तो नंबर ऑफ चार्ज कितने होंगे अगर पूछा जाए तो चलो तो ये बताओ एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से बताना मेरे को अगर आई माने 300 एम्पियर है कब तक टी वन आवर्स तक आपको 300 एम्पियर करंट फ्लो करने के लिए बोल दिया जाए तो मुझे एन का वैल्यू क्या होगा ये निकाल के दिखाओ तुरंत अभी फास्ट आंसर बताओ वन आवर्स बोले तो 3600 सेकेंड चलो फटाफट जल्दी करो 60 × 60 ना होगा ना यार तो 36 ही हुआ ना चलो बताओ आई का वैल्यू हो गया 300 और टी का वैल्यू हो गया 1 आवर्स मुझे एन का वैल्यू निकाल के दिखाओ एन का वैल्यू क्या होगा फटाक से बताओ आंसर बोलो आंसर कितना आया सर 6.75 इनटू 10 टू द 24 क्या नंबर आ गया समझ में सबको yes, समझ में आया कि नहीं सबको हाँ ठीक है ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा अब इसी बेस पर नंबर ऑफ करंट देखो करंट कितने टाइप की होती है ये पहले देखते हैं एक तो होता है स्टडी करंट जो मैं कल समझा रहा था पोटेंशियल में स्टडी पोटेंशियल क्रिएट करता है उसी टाइप का स्टडी करंट कब तक वो फॉलो होते रहेगा जब तक ये पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए तब तक उसको बोलेंगे क्या स्टडी करंट मतलब आई का वैल्यू लगभग जीरो मान लिया जाता है आई का वैल्यू लगभग इक्वल क्या हो जाता है जीरो मान लेते हैं अपन ओके स्टडी करंट अ करंट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम बोलता है अ करंट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम इज आल्सो नोन एज क्या स्टडी करंट मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन करंट में कोई चेंजिंग नहीं है तब उसको क्या बोलेंगे स्टडी करंट मतलब क्या बोलना चाह रहे हो भाई अगर ये इधर का वैल्यू आई हो जाए और इधर का वैल्यू टी हो जाए टाइम बढ़ रहा है तो करंट नहीं बढ़ रहा है मतलब यहां तक गया टाइम बढ़ा नहीं बढ़ रहा है टाइम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है टाइम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है टाइम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है यानी कि करंट वाली ग्राफ कैसे जाएगी ये स्टेट ग्राफ चली गई यानी कि ये क्या स्टडी करंट का ग्राफ है क्या बेटा देखो जरा
क्या स्टडी करंट का ग्राफ है क्या, है ना? क्वेश्चन आया है ममता जयश्री, है ना? हेलो हाँ रुद्रा, सब लोग हरी फोकस करना जो जो बता रहा हूं। अब देखो वेरिंग करंट, वेरिंग माने टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है लगातार, और अल्टरनेट माने एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो कैसे देखो, देखो ग्राफ जरूर बना लेना, ग्राफ जरूर बना लेना आप लोग। ये सबसे पहले क्या हुआ, वेरिंग करंट अल्टरनेट, वो मैंने स्टडी करंट तो बता दिया, स्टडी करंट का सीधा टाइम के अकॉर्डिंग स्प्रेड जाता है। लेकिन ये देखो वेरिंग करंट में क्या होता है, कभी पॉजिटिव हाई गया, कभी चेंज हो रहा है, कभी लो आ रहा है। तो तीन टाइप के करंट का डायरेक्शन शो किया गया है, ये वेरिंग करंट है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। लेकिन अल्टरनेट में कंटिन्यूअसली कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कंटिन्यूअसली होता रहता है, तब उसको बोलेंगे अल्टरनेट। ये हो गया टाइप ऑफ करंट। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात सबको समझ में आई? यस आर नो? यस सर। यस सर। ओके अब देखते हैं बेटा करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी निकाल लो। ये एक वायर है बेटा, क्या है एक वायर है, बहुत बढ़िया, ऐसा छोटा सा टीएस हमने काट लिया, क्रॉस सेक्शन ले लिया है, और इस वायर का लेंथ को हमने ले लिया एल, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। अगर इसके एरिया को मैं डीएस ले लिया, क्या ले लिया डीएस, क्रॉस सेक्शन एरिया को, तो करंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो क्या बन जाएगा, थीटा एंगल फॉर्म करेगा। तो करंट डेंसिटी का वैल्यू निकालेंगे, देखो डीएस का दो पॉइंट मिल जाता है, एक डीएस कॉस थीटा और एक डीएस साइन थीटा, एक डीएस कॉस थीटा और एक डीएस साइन थीटा। तो करंट किस डायरेक्शन में हो रहा है भाई, डीएस कॉस थीटा के डायरेक्शन में। तो निकाल लेते हैं क्या निकलेगा, सीधा सीधा तो यहां से निकल जाता है क्या, जो की ये करंट डेंसिटी को जोकी से शो करते हैं, करंट डेंसिटी किसे शो करेंगे, जोकी से, जे वेक्टर इक्वल्स टू डेल आई डिवाइडेड बाय डेल, क्या आएगा यहाँ डेल एस पर यूनिट एरिया फ्लोन द करंट, पर यूनिट एरिया फ्लोन द करंट, पर यूनिट एरिया फ्लोन द करंट, पर यूनिट एरिया बोले तो सरफेस, और फ्लोन द करंट बोले तो ये रहा I, रख दो वैल्यू बेटा डीएस लिमिट रख दो सबसे पहले, जो कि लिमिट कहां से कहां तक, डेल से लेकर के जीरो तक, डेल आई, ये वाला तो जान ही चुके हो, ये इंस्टेंटेनियस, ये वाला क्या आ गया, इसको और आगे सॉल्व करोगे तो इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो गया, है ना? तो ये इंस्टेंटेनियस आ गया आपका। उसके बाद ये डीएस माने करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, जिस ओर वायर है उसी ओर में, और उस आर में जो डीएस का कॉम्पोनेंट क्या था, वो डीएस कॉस थीटा था, तो जो कि इक्वल्स टू डी आई डिवाइडेड बाय डीएस कॉस थीटा, डीएस की जगह ए भी रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। ओके तो डेल आई इक्वल्स टू जे डीएस कॉस थीटा रख सकता हूं मैं? जी सर। तो क्या मैं डीएस और करंट का डायरेक्शन अगर दोनों सिमिलर रहे तो थीटा का वैल्यू जीरो मान लो? यस सर। तो थीटा का वैल्यू अगर जीरो मान लूंगा तो जे वेक्टर और डीएस वेक्टर हो जाएगा क्या? यस सर। सेम टू सेम जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे। तो क्या मैं यहाँ पर डीएस को मैं लिमिट रख सकता हूँ क्या, इधर आई लिमिट रख दूं और इधर डीएस लिमिट रख दूं, रख सकता हूँ क्या, देख लो, है ना? एरिया, अरे एरिया रख दो ना, मैं एरिया बोले तो टू पाई आर हो सकता है, पाई आर हो सकता है, आर का वैल्यू आर वन टू आर टू हो सकता है, अरे बावड़े लो, आई का वैल्यू आई रख दो, एरिया बोले तो एरिया कौन सा डी ए, है ना? अब एरिया रख दोगे भाई, एक मिनट रुक जाओ यार, ये कहां कहां से क्या क्या आ जाता है। अब एरिया का वैल्यू रख दोगे, क्या रख दोगे, पाई आर स्क्वायर, ओके, ये डी आर का डी आर हो जाएगा, डी आर। अब इधर रख दो, एक मिनट बेटा, पाई डी आर, सॉरी आर स्क्वायर इंटू डी आर करो, पाई, ये सब लिख लो बेटा, पाई आर स्क्वायर डी आर, लिमिट रख दो R1 से R2, इसका वैल्यू बोलो, इसका वैल्यू 1 by R1 by 3 by R2 cube minus R1 cube। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत गए, चलो उतार लो, चलो उतारो I का वैल्यू, उतारो फटाक से जल्दी, यहां तक बना लो, जो जो मेन मेन चीजें, कुछ चीजों को नहीं लिखा हो तो आप लोग उतार लिया करना जो बता रहा हूं, इसका न्यूमेरिकल आगे काम करेगा, दो वायर को लेंगे तो। क्या मेरी बात क्लियर है? ममता जयश्री हरी सुफियान, है ना, अदिति, अदिति ऐश्वर्या, क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। हाँ चलो ठीक है,
तो I इक्वल टू जे एस होता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या? तो क्या मैं आई वन और आई टू करेंट के लिए जे एस वन और जे एस टू कर सकता हूं क्या? हाँ या ना? यस सर। ओके, तो क्या जे का जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई एस हो सकता है? यस सर, हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एस, हाँ या ना? तो कहने का मतलब है जितनी मतलब सरफेस ज्यादा बढ़े तो हो डिक्रीज होगा, ज्यादा एरिया में छोटा करंट दोगे तो क्या हो जाएगा, करंट के वैल्यू कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सरफेस बढ़ा दोगे तो है ना, और अगर सरफेस जितना ज्यादा बढ़े करंट उतना ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा भाई, और सेम टू सेम उसका डेंसिटी भी बढ़ने लगेगी। ये दोनों निकाल लो, डायमेंशन बात में आ गई। किसी को कोई डाउट? एम्पियर का वैल्यू, एम्पियर नीचे एल एरिया है, एरिया को ऊपर लेके जाओ एल 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 माइनस टू और एम्पियर का एम्पियर, ये हो गया आपका तुम्हारा करंट डेंसिटी। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े कि नहीं? चलो ये लिखो, रूम टेम्परेचर। करें आगे? क्या सबको मेरी बात क्लियर है? यस सर। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। हाँ, तुम लोग ग्रुप में काहे डाल दियो फोटो को लड़कियां? चलो नेक्स्ट। चलो एक वायर ले रहे हैं रूम टेम्परेचर पर, ये वायर रूम टेम्परेचर बोले तो कितना केल्विन बेटा? 300 केल्विन। कितना केल्विन? 300 केल्विन। ओके, तो इस वायर का लेंथ जो है वो क्या हो जाए? एल है। तो सोचो इस वायर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉनों को ये रहा e माइनस, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तब वो कंडक्टर के जैसे बिहेव करने लगेगा। तो क्या करता है रूम टेम्परेचर में, मतलब अभी इसको किसी बाहर से बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया, सबसे पहली बात। तो जब बाहर से बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया है तो रूम टेम्परेचर, वो तो कंडक्टर जरूर है लेकिन इलेक्ट्रॉन भी फ्री हैं, तो क्या उस दौरान में मूव नहीं करते होंगे क्या? क्या ममता, अगर उसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे तो पर भी क्या कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे मूव करेंगे या नहीं करेंगे, ये पहले बोलो। करेंगे। ममता, रुद्रा, ममता सर करेंगे। जयश्री, ऐश्वर्या, अदिति, आवाज आ रही मेरी? यस सर, करेंगे। हाँ चलो ठीक है। तब उस कंडीशन में क्या करता है नॉर्मली, उस समय ये स्पीड तो कितना स्पीड में करता रहता है, 10^2 से लेकर के 10^5 के स्पीड से नॉर्मली शुरू करता है, यहाँ से जिग जाग जिग टैप टैपो ऐसे करते करते वहीं पर आके खत्म। मतलब एक रूम में व्यक्ति को बंद कर दिएगा, इधर उधर घूमेगा, इधर उधर ऐसे ऐसे करके वहीं पर आके खत्म हो जाएगा। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या आ गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएगा? जीरो। किसकी? चार्ज की, क्योंकि जहां से शुरू किया वहीं पर खत्म कर देता है। बट अगर हम इसको बाहर बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, अब इसको क्या दिया गया? एक वेलोसिटी दे दिया गया। अब बैटरी से कनेक्ट होते ही चार्ज की स्पीड बढ़ गई भाई। कितनी स्पीड बढ़ गई? थोड़ा ज्यादा स्पीड बढ़ गई, और स्पीड बढ़ने की वजह से अब यह धड़ 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 इधर उधर आता है, और अब की बार जहां पर जाकर टकराना चाहिए वहीं नहीं टकराता, बल्कि थोड़ा सा ये लोग क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये रहा अलग, यानी कि इस पॉइंट और इस दोनों पॉइंट के बीच में क्या क्रिएट हो गया? अब की बार डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हुआ भाई? डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ, और इस डिस्प्लेसमेंट के कारण एक डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब एक वेलोसिटी लगा। इसी वेलोसिटी को अपन क्या बोलते हैं? ड्रिप वेलोसिटी बोलते हैं। समझ में आ गए ड्रिप वेलोसिटी? ड्रिप वेलोसिटी इज अ
स्टेंट वेलोसिटी वेयर प्रोड्यूस अ स्टेंट करंट वेयर प्रोड्यूस अ स्टेंट करंट फॉर द मूविंग चार्जेस बाय द बैटरी टू क्रिएट अ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस विच क्रिएटेड अ ट्रिप वेलोसिटी. क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आई सब? यस आर नो? यस सर. यस सर. रुद्रा? यस सर. यस सर. रुद्रा मेरी बात समझ में आई? ममता पल्लवी? यस मम. सबको समझ में आ गया? चलो ठीक है बेटा. नेक्स्ट, फोकस होके पढ़ना, थोड़ा सा जहां पर दिक्कत होता है मेरे पूछना. ओके नेक्स्ट. चलो देखो, इसको देखो. सबसे पहली बात, क्या इस कंडक्टिंग वायर के एक छोर में इलेक्ट्रॉन माइनस और एक छोर में क्या हो जाएंगे? प्लस. क्या इलेक्ट्रॉन ही मूव करेंगे, प्रोटॉन मूव नहीं करेंगे क्या? रुद्रा, क्या इलेक्ट्रॉन ही मूव करेंगे, प्रोटॉन मूव नहीं करेंगे? नो सर. प्रोटॉन भी मूव करते हैं. अब बोलो कैसे? इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ क्या करता है, एनर्जी कैरियर होता है. अब इसने सॉरी ये एनर्जी कैरियर होता है, चार्ज पाथ को कंप्लीट करता है. कैसे? देखो, बैटरी से एनर्जी भरा कौन? ये प्लस चार्ज. ये चेंज होता है, अपने आप को चेंज करता जाता है. देखो, भरा 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 यहां से लेके गया यहां पर. अब जैसे यहां पर गया, इसने इस कंडक्टर में खत्म कर दिया. खत्म करते 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 आया यहां तक. यहां पर हाई वोल्टेज था, मतलब फुल पोटेंशियल था. यहां आते तक पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ गया बेटा? जीरो. क्या आ गया? जीरो आ गया. मतलब यहां से बैटरी से एनर्जी भरता है, यहां तक पहुंचता है, फैन को थोड़ा सा दिया, टीवी को थोड़ा सा दिया, फ्रिज को थोड़ा सा दिया, खुद खाया थोड़ा सा, कंडक्टर वायर को थोड़ा सा दिया, ऐसे बांटते 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 यहां तक आते तक उसकी पोटेंशियल क्या हो गई? जीरो. मतलब पूरी की पूरी एनर्जी को उसने बांट दिया. अब बेचारा बोलता है, यार मेरे को यहाँ के आते तक पूरी पूरी एनर्जी खत्म हो गई, यही पॉजिटिव चार्ज यहाँ के नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया. अब बोले मैं क्या करूं? फिर बेचारा इधर आता है, रेलवे स्टेशन के भिखारी टाइप, यहाँ पर बोलता है, दे दे यार थोड़ा सा बैटरी फिर से, मेरे को फिर से एनर्जी चाहिए. फिर बैटरी ने देता है इसको, फिर से भर जाता है और टुंकू पहलवान टाइप के इधर फिर चला जाता है, फिर पर 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 करके फिर बांट देता है इधर टेम टोंग करके, फिर यहाँ से फिर बांट के पूरा खत्म कर देता है. फिर भिखारी टाइप के शाम को फिर आ जाता है इधर से, बोले यार मेरे को फिर चाहिए यार, एनर्जी खत्म हो गया. ये पूरी के पूरी प्रोसेस चलती जाती है, और ये डिपेंड करता है किस पर? ये किस पर डिपेंड करता है बेटा? नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर. जितने ज्यादा फ्री चार्ज कैरियर होंगे, उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी? कंडक्टिविटी होगी. उतनी ही ज्यादा वो एनर्जी को क्या करेगा? देगा. क्या मेरी बात समझ में आई? क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई? क्या बेहोश हो गए? एवरीबॉडी कैन यू हियर मी व्हाट आई से? यस सर. क्या मेरी कहानी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. यस सर. हाँ चलो देखो, अब देखो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर के लिए एन रखा मैंने, फ्री चार्ज के लिए क्यू, और वॉल्यूम के लिए रख दिया मैंने वी. वॉल्यूम बोले तो वी. ओके वॉल्यूम यहां से यहां तक एल, और इस वाले को क्या ले लिया मैंने? ए. क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने ले लिया ए. क्रॉस सेक्शन को एरिया को लिया मैंने ए. तो चलो सबसे पहले शुरू करेंगे. हमको पता है ना बेटा, इसके पहले रिलेशन निकाले थे पोटेंशियल और किसमें, इंटेंसिटी में. तो वी इक्वल टू क्या होता था? EL होता था. तो अपन E का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? V by L होगा क्या? देखो तो सही है क्या? E equals to V by L होगा क्या? यानी कि V equals to L हो जाएगा क्या? Yes or no? Yes. हाँ या ना? समझ आ रही मेरी बात? Yes sir. सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? अच्छा चलो ठीक है. अब यहां से मैंने एक चीज और मॉडिफाई कर दिया. देखो क्यू बोले तो चार्ज हो गया, और एन बोले तो नंबर ऑफ फ्री चार्ज,
और बी बोले तो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को मैं क्या करूंगा यहां से क्यू का जब वैल्यू निकालूंगा तो एन और बी हो जाएगा, ये देखो जैसा एन और बी हुआ, तो बी की जगह क्या रख सकता हूँ एरिया बोले तो एरिया, और एल की जगह मैं स्मॉल लेंथ ले लेता हूँ, यहाँ से एल ना लेकर के इसको डीएल ले लिया, यहाँ से डीएल छोटा सा इस वाले पॉइंट यहाँ पर से काट के छोटा सा बना दिया, और उसके लिए मैंने रखा यहाँ पर से ए इंटू एल ना करके ए इंटू डी एल कर दिया, ये हो गया इसका वॉल्यूम, माने वी का वैल्यू हो गया। तो क्या मैं क्यू का वैल्यू रख सकता हूँ क्या, एन ए डी एल रख सकता हूँ क्या, चलेगा क्या बेटा, देखो हाँ या ना? यस सर। ओके अब देखो डब्ल्यू वी इक्वल्स टू क्यू बाय डब्ल्यू बाय क्यू, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू बी वर्क डन पोटेंशियल है ना, तो क्या मैं E equals to क्या हो सकता है V by L, अब रिलेशन रख दो है ना, अब क्या कर दो रिलेशन रख दो भाई, कैसे कैसे रिलेशन रखोगे देखो 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 थोड़ा सा कैसे कैसे करोगे, चलो F equals to MA भी होता है क्या, F equals to MA होता है कि नहीं होता? Yes sir. Yes sir. तो यानी कि ये चार्ज इधर से इधर की ओर एक्सेलरेशन कर रहा होगा, हाँ या ना, है ना, एक्सेलरेशन कर रहा है तभी तो हो रहा है भाई, तो एक्सेलरेशन कर रहा है यानी कि F by M हो जाएगा, सही है चलेगा क्या, F by M होगा, yes, F by M होगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना इधर से इधर की ओर, तो एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्या होता है QE होता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE होता है क्या, क्यू की जगह मैं इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ कि माइनस ई ई हो सकता है क्या, एफ इक्वल टू, हाँ या ना, हाँ अब उसी को मैंने रख दिया बेटा, ये देखो एफ इक्वल टू एम ए हो सकता है, एफ इक्वल टू ई ई हो सकता है, दोनों को कंपेयर कर दिए तो क्या बच गया, ए का वैल्यू बाहर निकाले ए तो माइनस ई ई डिवाइडेड बाई एम, क्या ये सही है क्या, क्या सही है, यस आर नो? यस सर। चलो नेक्स्ट, मेरी बात समझ में आ रही है सबको, क्या मेरा एक एक वर्ड समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अदिति? यस सर, आ रहा समझ में। हाँ आलिशा, अनन्या, आलिशा गायब हो गई लड़की, बेहोश। दीप्तमान, ज्ञानराज, साहू, हरिचंद, क्या मेरी बात समझ आ रही है सर? रितिका, जयश्री, राकेश, सुफियान, यस सर, स्मृति, तेजस्विनी, स्मृति, सतरूपा, रोचन, यस सर, समझ में आ रही है मेरी बात, कहीं yes, कोई डाउट लग रहा है, कोई डाउट है yes, कहीं पर? नो सर। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो अब देखो क्या उस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन होंगे? नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे सब के सब इस ओर मूव कर रहे होंगे, एकदम सही है क्या? तो यहां से यहां तक के लेंथ को मैंने ए लिया, तो सबके लिए एक साथ वेलोसिटी रखा भी, स्मॉल लेंथ ले लिया कौन सा डीएल डिवाइडेड बाय डीटी, तो डीएल का वैल्यू क्या रखा मैंने रख दिया वी डी टी, क्या सही है? क्या डीएल का वैल्यू वी डी टी रख सकता हूं क्या डीएल का वैल्यू वी डी टी रख सकता हूं कि नहीं रख सकता? तो अगर मैं यहां पर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन मैंने लिया तो क्या डी टी टाइम पर डीएल डिस्टेंस वो लोग कंप्लीट किए होंगे? क्या डीएल डिस्टेंस कंप्लीट किए होंगे? यानी कि डीएल इक्वल टू वीडी डीटी, वीडी क्या है ड्रिप वेलोसिटी और डीटी क्या है आपका डीटी टाइम है, तो डीएल के लिए स्मॉलेस्ट लेंथ लिए तो वीडी डीटी टाइम के डीएल में वीडी डीटी वेलोसिटी उन्होंने कंप्लीट किया, जैसे ये देखो है ना, समझ में आ रही कि नहीं सबको? ये देखो आप देखो आप रख दो यहां पर बेटा, आप यहां पर रख दो बेटा, हमने Q equals to Na DL रखे थे तो DL की जगह रख दो आपने Na VD VD DT,
और सारे इलेक्ट्रॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन रख दो मल्टीप्लाइड बाय ई माइनस, मल्टीप्लाइड बाय माने एन ए वी डी ड्रिप वेलोसिटी डी टी, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए ए रख दो। क्या ये फार्मूला सही है? किसके लिए है? क्यू के इक्वल्स, कैपिटल क्यू के इक्वल्स। देखो कहीं पर कोई डाउट लग रहा है, देखो कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को बताओ। क्लियर है? यस सर। ओके, तो क्या मैं क्यू इक्वल्स टू एन ए वी डी डी टी ई रख सकता हूं? ये हो सकता है क्या? हाँ या ना? यस सर। ओके, अब देखो ये वाला फार्मूला याद रखना बेटा। इफ अ चार्ज कोलाइड विद कॉन्स्टेंट स्पीड, मतलब सबसे पहले देखो जब ये चार्ज बहुत सारे जा रहे होंगे तो एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ, दूसरे चार्ज तीसरे चार्ज के साथ क्या हो रहा है? कोलाइड हो रहा है। तो कोलाइड होने वाला एक टाइम ले लेते हैं। मैं पहले ही बताया था ये एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच में एक लेमडा पाथ है जिसको मीन फ्री पाथ बोला जाता है। ये देखो मीन फ्री पाथ टाउम पर, ये टाउ बोले तो रिलैक्सेशन टाइम, जिस टाइम में वो टकराए होंगे उस टाइम को बोल दिया अपन ने रिलैक्सेशन टाइम। तो VD हम निकाल देते हैं यहां पर से। सबसे पहले निकालोगे क्या VD, VD का वैल्यू क्या हो जाता है? पाथ, पाथ बोले तो लेमडा और टाउ का वैल्यू हो गया टाउ। क्या क्लियर है मेरी बात? इसको मैं बताऊंगा, रुक जाओ, वेलोसिटी निकालेंगे। अब देखो यू का वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी को जीरो मान लो तो डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले पाथ निकाल लेते हैं। तो s इक्वल्स टू ut प्लस at, तो s की जगह क्या कर दो? पाथ मीन फ्री पाथ माने लैम्डा इक्वल टू ut प्लस 1 बाय 2 a टाउ स्क्वायर। वाओ, u का वैल्यू जीरो तो 1 बाय 2 a, a का वैल्यू क्या निकाले हो भाई? माइनस qe माइनस ee डिवाइडेड बाय m टाउ का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? है ना, माइनस चेंज हो गया प्लस में, प्लस चार्ज के लिए निकाल दे, कोलिजन हुआ सबका एक साथ प्लस रख दिया, बाद में बताऊंगा इसका मतलब क्या है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? क्लियर हुआ कि यहां तक सबको समझ में आ गया? एक ही जगह ई ई डिवाइडेड बाय टाउ रख सकते हो फ्रॉम द इक्वेशन। उधर से एफ इक्वल टू हमने निकाला था ए इक्वल टू ई ई डिवाइडेड बाय एम वाले फार्मूला से रख सकते हो क्या? हाँ या ना? यस सर। हाँ चलो ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो बेटा, ये देखो सब लोग, तो ये रख दिए देखो पूरा सेम टू सेम। ee tau divided by 2m, ee tau divided by 2m। अब v का वैल्यू क्या कर दिए? मीन फी प्राप्त डिवाइडेड बाय टाइम, तो लेमडा की जगह रख दो ये पूरा और tau की जगह tau, तो एक tau ऊपर का और एक tau नीचे का कैंसल आउट हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ee tau divided by 2m, vd का वैल्यू क्या आ गया? ee divided by 2m। क्या यहां तक सबको क्लियर है? क्या यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। vd में वैल्यू फुट दो, vd में वैल्यू फुट कर दो, ee tau divided by 2m, e का वैल्यू के साथ रख स्क्वायर ae by 2m dt। क्या सही है? क्या सही है? देखो पर पढ़ाया पूछो, देखो e और e ऐड कर दिया मैंने, n square a tau 2m dt, एकदम सही है। हाँ dt को dt जैसा रहेगा इसके इक्वल्स टू हो गया, इसके इक्वल्स हो गया। सारे फार्मूलास को याद रखना बेटा, सारे फार्मूला को याद रखना। i का वैल्यू i तो क्या है? a e tau by 2 m e। ओके, इस e को रखो और मैंने पहले by l, अब रख दो v को इधर ले आओ, i को इधर ले आओ, पड़ हो जाए तो l ऊपर से आ जाएगा। तो ये 2 ml
काबर कौन कहीं से कौन है कौन हाँ मैं जैसा लाऊं हो गया भाई सबका क्या यहां तक सबको समझ में आ गया कि नहीं सबको समझ में आया कि नहीं क्लियर हो गया यहां तक ओम्स लॉ प्रूफ हो गया भाई ये ओम्स लॉ प्रूफ हो गया कल मैं पढ़ाऊंगा बाकी चीजें आगे चलेगा हाँ या ना यस सर ओके बेटा चलो ठीक है मैं शेयर कर दूंगा इसको ग्रुप में आप लोग पढ़ लेना ओके बेटा बाय